ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद 3 दशक पुराना है। यूं तो ये विवाद आजादी से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका अदालती दस्तक 1991 में उस याचिका के साथ हुई जिसमें ये कहा गया था, दावा किया गया था कि मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, इसलिए वहां पूजा की इजाजत दी जाए। उसके बाद तो फिर याचिकाओं का एक दौर शुरू हो गया और ये विवाद और गहराता चला गया। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि ये विवाद जो है वो 16वीं सदी से ही शुरू हो गई थी। वापी का अग्निपथ, काशी का विजय पथ, सदियों पुराना विवाद, एक एक याचिका का हिसाब। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद यूं तो सदियों पुराना है। कहा जाता है 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी, लेकिन इस विवाद ने मोड़ तब लिया जब 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद एरिया में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इसी याचिका में कहा गया था कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण मालवा राजघराने की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं का दावा था कि मस्जिद परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, इसलिए उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा की इजाजत दी जाए। मतलब 1991 के बाद से यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना इस समय। ज्ञानवापी से जुड़ी हुई 5 अर्जियों पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इनमें से 3 अर्जियां 1991 में वाराणसी के अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की पोषणीयता से जुड़ी हुई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया मुकदमा सुनवाई के लायक है या नहीं। इसके साथ ही 2 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें वाराणसी की अदालत ने पिछले साल ज्ञानवापी के विवादित परिसर का सर्वेक्षण ASI से कराए जाने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी याचिका वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की। ये याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई थी, जिस पर अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने को आदेश दिया था, जिसका उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने विरोध किया। दरअसल इस विवाद को लेकर सबके अपने दावे हैं। ऐसा ही एक दावा हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का है कि नंदी भगवान की प्रतिमा आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है। नंदी का मुंह हमेशा शिव मंदिर की ओर होता है। इसे साफ है कि मंदिर मस्जिद के भीतर ही है। राखी सिंह समेत 5 महिलाओं ने पिछले साल अगस्त महीने में जो मुकदमा दाखिल किया था, उसमें श्रृंगार गौरी के नियमित तौर पर दर्शन और पूजा अर्चना की इजाज़त दिए जाने की मांग के साथ ही ये दावा किया था कि ज्ञानवापी के विवादित परिसर में हिंदू देवी देवताओं के विग्रह मौजूद हैं, उन्हें संरक्षित किया जाना बेहद ज़रूरी है। इसी साल मई महीने में जो सर्वे हुआ, उसमें ना सिर्फ विवादित परिसर से शिवलिंग प्राप्ति हुई, बल्कि हिंदू आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह त्रिशूल, स्वास्तिक और हाथी की भी प्राप्ति हुई। इस तरीके से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महिलाओं ने जो दावे किए थे सर्वे के दौरान, उन्हें बड़ा आधार मिला। लेकिन अब जब कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई लायक मान लिया, तो लोग दो धड़ों में पड़ गए। एक तरफ साधु संत हैं जो जश्न मना रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ये कहता था कि नहीं,
ये अधिकार हिंदुओं को नहीं है इस कोर्ट जाने का, इस पक्ष को रखने का, लेकिन मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा। संविधान में मुझको आस्था है और आज विजय मिला है और आज खुशी का दिन है। जबकि दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जता रहा है। देखिए, सेशन कोर्ट को तो ये कोडिफाइड एक्ट के सामने ऐसा कोई निर्णय देना नहीं चाहिए। मैंने भी पढ़ा नहीं क्या है पूरा डिटेल, क्या बुनियाद ली है उन्होंने, क्यों कहा है, कैसे कहा है, तो देखा जाएगा। लेकिन नेचुरली हम तो जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है, देखिए अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है। मगर मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है, लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। मतलब एक नई बहस शुरू हो गई है। वहीं एक सवाल इस बात का भी है, क्या इस फैसले ने मथुरा की झांकी दिखा दी है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।